ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਰੋਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਗਰੋਥ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਕਾਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ जैसे मान लो हो गया इंडोर प्लांट है इंडोर उनको नॉलेज ही नहीं कहाँ लगाना क्या करना बाहर लगा दिया तो वो मर जाएगा ठीक है धूप लग गई कई बार ऐसा होता है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाते प्लास्टिक ठीक है क्योंकि आपको जब गर्मियों में गर्म हो जाता है सर्दियों में ठंडा कई अरे सारे प्लांट ऐसे हों चलने वाले चलते भी हैं लेकिन 30% ऐसे प्लांट में मर भी जाते हैं उनको ये है कि थोड़ा मिट्टी गमला अगर बेस्ट है तो मिट्टी का है उसके बाद सीमेंट फिर प्लास्टिक खाद पौष्टिक तत्वों की जरूरत है चलो यह है कि नाल दी नाल जे तुसी प्लांट्स लगांदे भी हो वह प्रोपर वह ध्यान रखने लई जां जे तुहानू नहीं किसी चीज़ का पता तुसी इत्थों पुछ के जा सकदे हो कि हाँ उन्हूं किहड़े तरीके नाल लगाया जा सकदा है किहड़े तरीके नाल उहदी केयर कीती जा सकदी आ चलो कई प्लांट होते हैं बर्मी कंपोस्ट ठीक है जी कई प्लांट होते हैं कोकोपीट में लगने मिक्स करके कई बार लोग कहते हैं खाद को डालते हैं मिट्टी से डालते हैं कई बार हाँ मिट्टी खाद मिट्टा ही कई बार गोबर डाल देते हैं हाँ गोबर डाल कई बार लोग डी ए पी डाल देते हैं यूरिया डालते हैं वो नहीं पता होता कई अब ऐसे केस भी आए जो ना मुट्ठी मतलब एक दो दो किलो डी ए पी पा दिए और सारे खत्म हो गए सारा खत्म हो जाए जो नहीं पता वो गलती ही करें जानकारी लैन तो बिना कुछ भी ना इदा का किया जाए क्योंकि तुम इन्ने पैसे खर्च के जो प्लांट की केयर कर रहे हो प्लांट लगा रहे हो तो वह फायदा तो वा जो प्रोपर तुम केयर भी कर सको अपना ये भी जितना ना पंजाब में अजकल अमरूद लगाते ना अमरूद लगाते उसको कीड़ा मिल जाता है हाँ मिल जाता है लग जाता है चलो मैंने भी प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत दिया लेकिन ना ये सही बात है उसको चूना कर देना एक किलो प्लांट की जड़ में ना यहाँ पर आके वाइट कलई होती कलई जो हाँ कली मार दो कलई मार दो उसका चार फिर मार के देखो कभी इसको कीड़ा नहीं अच्छा उन्होंने कीड़ा नहीं लगे ये बहुत बड़ी समस्या है हर घर में समस्या जहाँ अमरूद लगा वहाँ समस्या आती आती है क्योंकि उसको कीड़ा पड़ ही जाता है कीड़ा पड़ जाता एक बार ट्राई करके सब देखें चलो एक बार ट्राई जरूर करके वेखो कि हाँ भी जो तुम अमरूद का बूटा लगा रहे हो वह जो तैयार हो जाता थोड़ा तो वह साइडा से चिट्टी कली जी वो भ्यो के तो उन्होंने मार दो तो अपने आप पर एक चीज़ और है जैसे आप कोई फ्रूट का प्लांट लगाओ फ्रूट का प्लांट गारंटी होता है वहाँ अच्छा फ्रूट का प्लांट गारंटी जो होता है लेकिन सूख रहना चाहिए पहली बार हाँ। जैसे आप लेकर सूख गया उसकी गारंटी नहीं होगी बाकी अगर वो फ्रूट नहीं रहता फिर उसको हम वापस दोबारा वापसी भी ना अभी जो फ्रूट नहीं लगता तो उसकी वापसी भी ना होगी दूसरा प्लांट देंगे क्योंकि हमें पता हमारे प्लांट सारे अच्छे आते हैं सर आज तक कोई शिकायत नहीं एक आधी शिकायत आई भी है उसको रिप्लेस कर ठीक है रिप्लेसमेंट नाल ही रखी हुई है भाजी हुणा चलो यह है कि तुसी एक बार मैं फिर चाहुंदा कि अपना एड्रेस इत्थे दा दस दो जिन्ना किसी ने फ्रूट फल सब्जी कुछ भी खाना वो तुहाडा इत्थों लैके जा सके नहीं नर्सरी है इसे मान लो लंबा पिंड चौक ओल्ड हॉस्पिटल रोड नियर एच पी पेट्रोल पंप नियर एच पी पेट्रोल पंप एक बार नर्सरी का नाम दस दो के एफ नर्सरी चलो लंबा पिंड चौंक पर के एफ नर्सरी है जो किसी ने भी इतों प्लांट्स कोई भी लैके जाना लैके जा सकते हो नाल एच पी का पेट्रोल पंप आ ये देख लो ओल्ड हुशियारपुर रोड एक तुहानू भाजी हुणां दे जिहड़ा बोर्ड आ मेन वो तुहानू मैनशन कर देंगे विच नंबर भी मैनशन कर देंगे किसी नू लोड़ आ तुसीं लैके जा सकते हो होर अपडेट दे लई इदां दीआं स्टोरीआं लैके आउंदे रहांगे देखते रहो पंजाब कल्चर मैं हरप्रीत बाजवा धन्नवाद।